की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से हमको दर्द है, हमको दुख है। वो हमारा भतीजा टाइप का एक लड़का जो था, हमको बराबर चाचा चाचा बोलते थे। और मैंने उनको शुरू में ही कहा था, जिस समय मैंने न्यूज 18 में मैंने बोला था पंकज मिश्रा के बारे में, उस समय हमने कहा था, तो उन्होंने हमको दूसरे दिन तलब किया, बुलाए हम कपड़ा चैम्बर में, और उन्होंने कहा क्या क्या चाचा बोलते रहते हैं, विपक्ष को मौका मिलता है। मैंने कहा देखिए, मैं गुरुजी की बदनामी और आपकी बदनामी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपको कुछ लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, यही काफी है, आप समझ लीजिए। और नहीं तो आप मुख्यमंत्री आप पता करवा लीजिएगा लोग हम झूठ बोलता है। बहुत देर के बाद बोले कि अच्छा ठीक है, हम देखेंगे। हम बोले कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये उनकी जितनी गलती है उससे ज्यादा गलती उसका जो सलाहकार लोग है, उसके जो सलाहकार है अगल बगल में है, एक है पिंटू है, इसके बाद सुप्रिया भट्टाचार्य है, विनोद पांडे है। मैं तो बराबर इस बात को बोलता हूँ, सच्चाई में क्या है, मैं बराबर इस बात को बोला है, लेकिन संज्ञान में नहीं लिए, आज अंदर तक उसको जेल जाना पड़ा। सुझाव दिए थे कभी कि ये सलाहकार अच्छा होगा? मतलब नहीं सलाह, हम क्या सुझाव, हम तो इतना बता देते कि आप बदनाम हो गए, बदनाम कर दिया आपको, अभी भी समय है, समय रहते आप कुछ करिए, लेकिन नहीं किया, आज जिसके चलते आज जेल जाना पड़ा। हमको तकलीफ है, लेकिन ये बढ़िया सलाहकार नहीं रखे, बढ़िया सलाहकार इनको मिला नहीं और खोजे भी नहीं, जिसके चलते आज ये सर। तो वो जब जेल राज जा रहे थे, आप क्षेत्र में थे, आप पार्टी के, आप क्या करूं, मैं अपना भी तो खेती है यार, अपना भी तो खेती घर गृहस्थी है, उसको भी हम देख रहे थे। लोग चले गए, कहाँ चले गए थे आपको पता नहीं? हैदराबाद गए, हैदराबाद गए तो गए, हम नहीं गए, हम अपना खेत खली हम देख रहे थे। पहले रांची में तो नहीं आए जब संकट में सरकार थी? ठीक है, तो तुरंत तुरंत हुआ ना, हम तो जान रहे थे कि अभी आज नहीं कल, कल नहीं कुछ न कुछ होने वाला है, तो ये लोग फिर चले गए अपना, हम अपना खेत में। उनका हैदराबाद जाना जरूरी था? क्या जरूरी था, क्यों जरूरी था, क्यों जरूरी था, किस बात का डर, कोई किसी को किडनैप कर लेता क्या? तो बिकने वाला तो कहीं भी बिक सकता है, सड़क पर बिकेगा, घर में भी बिकेगा, बाहर में भी बिकेगा। तो जब आप ठीक हो तो ठीक है, आपको कहाँ कोई फिक्र है, हैदराबाद जाने का क्या जरूरी है? जेएमएम को बाहरी ताकत चला रही है, बाहरी ताकत चलाया, बाहरी ताकत मतलब वही लोग इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों ने चलाया। फ्लोर टेस्ट में तो हम रहेंगे, हम तो बोले हम रहेंगे, इनके साथ रहेंगे और निभाएंगे भी, लेकिन ये जो मेरा डिमांड है ये डिमांड फुलफिल होना चाहिए, और ये तो मेरा आंदोलन जारी रहेगा, यहाँ झारखंडियों के हित में, यहाँ मूलवासियों के हित में, यहाँ के स्टूडेंट के हित में मेरा आंदोलन जारी रहेगा। कब तक देखिए, मांगे हैं अभी तो सरकार अभी बहुमत साबित करेंगे, लेकिन हमने आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैंने सरकार तक इस बात को पहुंचाने का काम करा। राहुल गांधी का यात्रा भी है कल, क्या उसमें जाना है क्या आपका अपने स्तर से? हाँ, क्यों जाएंगे राहुल गांधी वाला? अच्छा दादा, इस सरकार में भी जो है महाधिवक्ता और वही पुराने को ही, पुराने ही लोग जो है बने हुए हैं, नए चौबे फिर से आए हैं प्रधान। आप वो उनका काम है, वो मेरा काम नहीं है। अच्छा दादा, ये बताइए मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल चाहते हैं या ठीक है? देखिए, उनका काम है, नहीं आपकी, आपकी चाहत सलाह, वो अपना चुन के ले, बढ़िया आदमी को ले, चलाए बढ़िया से, ठीक जो है वो ठीक नहीं है, है? वो है क्या है ना, वो उसका तर्जुबा करेंगे ना। नवीन हेमरम मंत्री बनना चाहते हैं? नहीं हा? नहीं नहीं चाहते, नहीं क्या चाहते हैं? चर्चा आई कि नवीन हेमरम कहने संथाल से किसी को क्यों नहीं, वो हम विचारेंगे ना, लेकिन इच्छा नहीं है, अभी कुछ हुआ ही नहीं यार, कोई घोषणा हुआ ही नहीं है, कौन सा पोर्टफोलियो और उसका आपको लालच नहीं है, बात को इधर बतला जाइए पंडित जी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।